हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसी गोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 31, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ना कंपलसरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, उसकी जो प्रोडक्ट की डिजाइन कर रहे हो, उसका जो आप उसका कह सकते हैं कि जो उसकी रैपिंग है, जो उसके बारे में लिखा गया है, जिस तरीके से वो मार्केट हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है, वो सारी जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगी। ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर में कोई पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो कौन सा उसको प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से उसकी पैकेजिंग करनी है, कहां पर उसको एडवर्टाइज करना है, किस तरीके से उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को सोल्ड होगा भैया, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आती है, जो कि आप सभी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तो बात करेंगे ये चैप्टर है क्या, बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। इससे पहले हम समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसा वर्ड है, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्केट एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप सभी लोगों ने बहुत बार इस वर्ड को सुना है और बहुत सी बार आप तो गए भी हो कोई चीज को परचेस करने। बहुत ही सिंपल सा है, क्या है, एक ऐसी जगह, A place where people go to buy and sell things. एक ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं। कौन कौन जाता है? बायर, जो कि किसी को कुछ परचेस करना है, जैसे कि मैं, मुझे क्या परचेस करना था, ये मेरा मार्कर है, ये खत्म हो गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं गुमानपुरा जाऊंगा स्टेशनरी पे और इस मार्कर को परचेस करके लाऊंगा। अब मैं क्या हूं? बायर। तो बायर और सेलर, सेलर कौन है? जो वो शॉपकीपर है, जहां से मैं इस मार्कर को परचेस करना चाह रहा हूं, तो वो सेलर भी कहां जा रहा है? उसकी शॉप पर जा रहा है, उस मार्केट में जा रहा है। तो मार्केट क्या है बेटा? एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह वेयर पीपल गो टू, जहां पर लोग जाते हैं, बायर और सेलर, बायर और सेलिंग करने, बायर और सेलर जा रहे खरीदने और बेचने, उसको क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से ये सपोज करो, ये जो डायग्राम है ये एक तरीके का मार्केट है। किसका मार्केट है बेटा? ये एक मार्केट है, मोबाइल फोन का मार्केट है। तो ये मोबाइल फोन का मार्केट कहां पर है? सेंट्रल स्क्वायर मॉल, सभी ने नाम सुना होगा, जो हमारा किधर की तरफ है बेटा? कोटली रोड की तरफ है। तो ये हमारा क्या है? सेंट्रल स्क्वायर मॉल है। तो इस सेंट्रल स्क्वायर मॉल में ये पर्सन कौन है? हमारा सेलर है। और ये पर्सन कौन है जिसको मोबाइल को परचेस करना है? बायर है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं। किसको? कॉमोडिटी को। कॉमोडिटी का मतलब इस मोबाइल फोन को। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर जाता है, सेलर जाता है, दोनों आपस में मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं कॉमोडिटीज का, उसको कहते हैं हम मार्केट। ठीक है, मार्केट हमें समझ लिया। आप समझते हैं कि व्हाट इज अ मार्केटिंग, जो हमारा चैप्टर है, वर्ड जो लिख रखा है मार्केटिंग, मतलब क्या है भैया? इस जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें आपको समझ में आएगा कि ये मार्केटिंग क्या है। बहुत ही सिंपल सा है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। जो मार्केटिंग है ना, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो एक तरीके का प्रोसेस है। मार्केटिंग का मतलब है एक तरीके की प्रोसेस, दैट इंक्लूड्स, जिसके अंदर आता है ऑल दी एक्टिविटीज, सारी चीजें, सारे काम रिलेटेड टू स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कि स्टार्ट होता है कि भैया क्या मुझे बनाना है। एक कंपनी है, क्या है बेटा? एक कंपनी है जिसने कुछ डिसाइड किया है मुझे कुछ बनाना है। तो ऐसा तो नहीं है ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बना लेगी, ऐसा नहीं करती। तो क्या करती है? वो मार्केट को रिसर्च करती है, देखती है कि कंज्यूमर्स की नीड्स क्या है। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या है बेटा? एक तरीके की प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या मुझे बनाना है, टू दी एक्टिविटीज, और लगातार वो एक्टिविटीज चलती रहती है और खत्म कहां पे होती है? सेल्स पे। तो मार्केटिंग क्या है बेटा? मार्केटिंग एक तरीके की प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है व्हाट टू प्रोड्यूस और खत्म होती है कोई प्रोडक्ट के सेल पे, जो कि उसने डिसाइड किया है कि मुझे ये बनाना है। दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। इस मार्केटिंग जो पॉइंट है, ये जो मार्केटिंग टॉपिक है, इसको हम इस जो डायग्राम है इसमें हम डिटेल में समझते हैं एक बार और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा, देखना क्या है एग्जाम्पल।
बहुत ही अच्छी सी चीज है एग्जांपल में। देखिए ये क्या है, ये 5 स्टार है। तो यहाँ पर ये जो मार्केटिंग है ये हम समझेंगे इस 5 स्टार, ये कैसे बनी, किसके लिए बनी, किस तरीके से कंज्यूमर्स की नीड्स आइडेंटिफाई करी, सब कुछ ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है बेटा, एक तरीके की प्रोसेस है जो कि स्टार्ट कैसे होती है बेटा, ये स्टार्ट होती है आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स। एक कंज्यूमर था या फिर कह सकते हैं बहुत सारे कंज्यूमर्स थे, जब मार्केट में सर्वे किया, किसने, हमारी इक्लेयर्स कंपनी ने, हमारी इक्लेयर्स कंपनी ने जब मार्केट में सर्वे किया, हमारी कैडबरी कंपनी ने जब मार्केट में सर्वे किया, तो उसको पता चला कि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो चाह रहे हैं कि भैया एक ऐसी चॉकलेट हो जिसके अंदर फुल लोडेड हो चॉकलेट से, उसके साथ साथ बहुत ही सारा उसके अंदर कैरेमल हो, जिसको खाकर मदहोश हो जाए इंसान, मजा आ जाए। तो कंज्यूमर्स की ऐसी नीड्स थी। ये किसको पता चला, ये कंपनी को पता चला। ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स थे जिनकी ये नीड्स थी, हमारी कंपनी को पता चल गई। तो उसने सबसे पहले मार्केटिंग में क्या करा बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने क्या करा, आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर्स की नीड्स, कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया। उसने समझ लिया कि अच्छा एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर्स को जो कि ऐसा हो जिसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट हो, कैरेमल हो, जिसको खाते ही मजा आ जाए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कंज्यूमर। अब उसने क्या कर लिया, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे क्या बनाना। अब क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के लिए वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा, रॉ मटेरियल उसने परचेस कर लिया, फिर उसके रॉ मटेरियल से क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उस 5 स्टार को बनाएगा, ठीक है, उस 5 स्टार को बना ले। उस 5 स्टार को बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को पैकेज करेगा, क्या करेगा, पैकेज करेगा। पैकेज का मतलब क्या होता है बेटा, पैकेज का मतलब ये होता है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसकी पैकिंग, इसको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। तो पैकेजिंग करेगा, उस पर लेबलिंग करेगा, उस पर नाम लिखेगा, भैया मुझे किस नाम से इस प्रोडक्ट को बेचना है। पैकेजिंग करने के बाद क्या करेगा, उसको सप्लाई करेगा। सप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, मार्केट में उसने बनाया कहां पे, उसकी फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में तो कंज्यूमर नहीं खरीदता, कहां खरीदता है, शॉप पे करता है। तो उसको सप्लाई करेगा, लोगों के तक पास पहुंचाएगा, सप्लाई कर दिया। अपनी सप्लाई के बाद क्या करा उसने, एडवर्टाइजमेंट करा। किस पे करा, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करा, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। उसके एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या हुआ, लोगों को वो प्रोडक्ट बेच दिया। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होती है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई है, ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर्स की नीड्स से। कंज्यूमर्स की नीड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने उनकी नीड्स क्या आइडेंटिफाई करने के बाद हमने डिसाइड किया मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, मुझे एक ऐसी टॉफी बनानी है, एक ऐसी चॉकलेट बनानी है जिसके अंदर बहुत सारी क्रीम हो, बहुत सारा कैरेमल हो, बहुत सारी चॉकलेट हो, जिसको खाकर मजा आए, ठीक है। तो हमने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करा। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद हमने उस चीज को बनाया, प्रोड्यूस करा हमारी मशीन से। प्रोड्यूस करने के बाद हमने उस चीज को बनाने के बाद उसको थैली में, पॉलीथीन में, किसी चीज में उसको पैक करा, अच्छी तरीके से रैपिंग करी। रैपिंग करने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर दिया, जो भी छोटे छोटे किराने की शॉप्स थी, अभी कह सकते हैं ग्रोसरी शॉप्स थी, मॉल्स थे, वहां पर उस प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के बाद हमने क्या करा, मार्केटिंग करी। उसकी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एडवर्टाइज करना। टीवी में आता है ना किसका, 5 स्टार का, तो वो एडवर्टाइज करा। एडवर्टाइज करना क्यों जरूरी है, ये भी हम थोड़ी सी देर बाद इस चैप्टर में समझेंगे जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएगी। तो एडवर्टाइज करा, एडवर्टाइज में हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया ऐसा प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहते हो खरीदना तो खरीद सकते हो। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद क्या करा, हमने उस प्रोडक्ट को सोल्ड कर दिया। तो मार्केटिंग क्या है बेटा, एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर्स की नीड से और खत्म होती है प्रोडक्ट को सोल्ड करके, प्रोडक्ट को बेच के। उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पर भी क्या लिख रखा है, सेम चीज लिख रखी है, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट हुई है, कहां से स्टार्ट हुई है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, क्या बनाना है मतलब आइडेंटिफाई कंज्यूमर्स नीड्स, कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करके पता करना कि मुझे क्या बनाना है और सेल कर देना, लास्ट में उस प्रोडक्ट को बनाकर सेल कर देना, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग कहते हैं। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना ही हमने सीखा, मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए।